केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य किए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी 1000 करोड़ रुपये का विकास कार्य हो रहा है। उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और बाईपास के साथ ही टनल बाईपास बनाए जाने की भी बात कही। इसके अलावा नैनीताल में कैंची धाम में टनल बाईपास और एलिवेटेड बाईपास बनाने के साथ ही काठगोदाम नैनीताल राजमार्ग को 2 लाइन किए जाने के भविष्य में प्रस्ताव लाए जाने का भी वादा किया। अजय टम्टा ने बताया कि पिछले दिनों बरसात में काफ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग बाधित हुए हैं, जिनको दिन रात खोले जाने का काम किया जा रहा है। उन्हें हल्द्वानी के गोला पुल को भी जल्द रिस्टोर कर पब्लिक के लिए खोलने की बात कही। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार के 100 दिन के कार्यों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें हमने कृषि बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के निर्णय लिए हैं। साथ में हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं और जो अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको बढ़ाने के लिए पिछले 100 दिनों के अंदर 15 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। और साथ ही साथ जी आपके, क्योंकि मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी है, ये जो 100 दिन में हमने 15 लाख करोड़ का निवेश किया है, इससे सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर के अंदर हुआ है। और पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से भारत के का दृश्य बदला है पूरे दुनिया के अंदर, ये 100 दिन के अंदर उसको और ताकत बल देने का काम किया है। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे हवाई अड्डों के संबंध में है, नए रनवेज पर डेवलपमेंट हैं, चाहे रेल नेटवर्क है, चाहे रोड नेटवर्क है, इन सारे चीज़ों के साथ साथ गांव की कनेक्टिविटी भी बढ़े, इस पर भी हमने इस 100 दिनों के अंदर बहुत सारे बजट का प्रोविजन किया है।